ओके क्या हो गया, चेंज हो गया। तुम्हारा तो सॉल्यूट इन ग्राम कितना है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है 3 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.1 है। अगर इसको हमने सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा 3/1, सॉरी 30/1, तो ये क्या हो जाएगा 30 ग्राम पर लीटर। क्या है आपका आंसर, 30 ग्राम पर लीटर। ठीक है, नाउ दूसरा हमें निकालना है, तो इसके मोल पता करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कितना है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, कितना आपको दिया हुआ है 3, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब जितने भी उसमें एटम है उन सबका मास, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का कितना है, कार्बन का है 12 मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ओके दोनों का लेना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है इसलिए क्या आएगा प्लस 3, प्लस कार्बन का अगेन क्या आएगा 12, ओके अब क्या है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16 और दूसरे का 16 और फिर एक हाइड्रोजन, ओके इन सबका अगर हमने एडिशन किया, ओके इन सबका अगर हमने एडिशन किया तो वो आएगा 16, 3/16 मतलब 1/20, तो ये क्या आएगा 0.05 मोल। ठीक है, नाउ अब हम जानेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारा 0.05 है, ओके और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 0.1 है, 0.1 है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो क्या आएगा आंसर 0.5/1, फाइनली आंसर 0.5 मोल पर लीटर। ओके तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इन दिस वे हमने 3 एग्जांपल किए, और भी कर सकते हैं चौथा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मेनली ये समझ लीजिए क्या करना है, पहले जो वॉल्यूम है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर वो तो आसान है, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से हमें मिल जाता है, ग्राम वाला और लीटर वाला जो है उसको नीचे रख दो, कैलकुलेशन करो। मोलरिटी निकालने के लिए, ओके मोलरिटी निकालने के लिए मतलब ग्राम मोल पर लीटर निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसका क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके तो मॉलिक्यूलर मास एक एक सब्सटेंस का लेके हम निकालते हैं, ठीक है एटॉमिक वेट का एडिशन करके, तो इन दिस वे हमें मोल निकालना है, फिर क्या करना है मोल पर रखना है और उसके नीचे जो हमारा लीटर वाला आता है उसको उससे डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा मोल पर लीटर। ओके तो इस लेक्चर में हम यही पे रुकते हैं, ठीक है।